नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिनका जवाब आप जो भी सोचेंगे वो शायद गलत ही होगा। 100% ये सवाल आपके लिए काफ़ी नॉलेजफुल होंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे कि नई नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, वह कौन सा पक्षी है जिसका अंग्रेजी में मतलब ज़्यादा होता है। दोस्तों, इसका आंसर अगर आपको पहले से पता है तो अपना आंसर कमेंट ज़रूर करें। इसके लिए आपको दिए जाएंगे 5 सेकेंड। अगर आपको ज़्यादा वक्त चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हो। तो इसका सही आंसर है मोर। दूसरा सवाल है, टेलीफोन पर मौजूद सभी अंकों को आपस में गुणा करने पर कितना उत्तर आता है। तो इसका सही आंसर है 0। तीसरा सवाल है, वह कौन सी चीज़ है जो हमें जीवन में 2 बार फ्री मिलती है और 3री बार पैसों से मिलती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिलने वाली है, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो इसका सही आंसर है दांत। चौथा सवाल है, वह क्या चीज़ है जो रोशनी में आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो इसका सही आंसर है परछाई। पांचवा सवाल है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी से बनी है लेकिन उसे सूरज भी नहीं सुखा सकता। तो इसका सही आंसर है पसीना। छठवां सवाल है, अंग्रेजी का वह कौन सा शब्द है जो 1.5 किलोमीटर लंबा है। तो इसका सही आंसर है मील। सातवां सवाल है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी मुट्ठी में है लेकिन आपके बस में नहीं। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी। तो इसका सही आंसर है हाथ की लकीरें। आठवां सवाल है, वह कौन है जो गूंगा बहरा अंधा है लेकिन हमेशा सच बोलता है। तो इसका सही आंसर है आईना। नौवां सवाल है, तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, तो बताओ कुल कितने तीतर। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो रोज सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि नई नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो इसका सही आंसर है 3 तीतर। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, ब्रैकेट में आपको 2 तीतर दिख रहे हैं 1 तीतर के आगे, और यहाँ 1 तीतर के पीछे भी 2 तीतर आपको ब्रैकेट में दिख रहे हैं। अगर आपने कुछ और सोचा था तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे सवाल आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं और उन्हें चौंका सकते हैं। 10वां सवाल है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती। तो इसका सही आंसर है परछाई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे भी अच्छी नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो जब तक चैनल से जुड़े रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।